शासन स्कूल शिक्षा विभाग SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। MP एजुकेशन शासन स्कूल शिक्षा विभाग 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए COVID-19 के संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP 1 पृष्ठभूमि। भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरणवार अनलॉकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने की अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी जाएगी। 2 संदर्भ। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP में विद्यालयों द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने के समय COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य और विशिष्ट एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गई है। 3 सामान्य निवारक उपाय जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स महत्वपूर्ण। 1 विद्यालय और संबंधित छात्रावास के समस्त स्टाफ यथा शिक्षक, लिपिक, भृत्य, बस ड्राइवर, सफाई कर्मी आदि और विद्यार्थियों को छात्रावास खुलने के 2 माह के अंदर कोविड का टीका लगवाना संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। 2 संस्था प्रमुख द्वारा विद्यालय और संबंधित छात्रावास के स्टाफ और विद्यार्थियों का समय समय पर रैंडम आधार पर कोविड का टेस्ट कराया जाएगा। सामान्य निवारक उपायों में ऐसे सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जिनका COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों का पालन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में और सभी स्थानों पर हर समय किया जाना चाहिए। इसमें शामिल है जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए। फेस कवर मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाए। हाथ गंदे दिखाई न भी दिखाई दे तब भी साबुन से बार बार हाथों को कम से कम 40-60 सेकंड के लिए धोना। इस हेतु यदि संभव हो तो इस हेतु अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कम से कम 20 सेकंड के लिए किया जा सकता है। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसते रुमाल छींकते समय टिश्यू कोहनी से नाक और मुंह को कवर करना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण डिस्पोजल शामिल है। सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्वनिगरानी करना और किसी भी बीमारी के होने पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना। थूकना सख्त वर्जित होगा। जहां भी संभव हो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है। 4 सभी विद्यालयों जिनमें कक्षा 9 से 12 हो विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय जाने की अनुमति होगी। ऐसा उनके माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर हो सकेगा। इस तरह से विद्यार्थियों का विद्यालय आना तथा उनके और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद इंटरेक्शन स्टैगर्ड ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। 4.1 विद्यालय खोलने से पहले कट स्कूल को फिर से खोलने की योजना बनाना। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालय खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सलाह भी दी जाएगी कि वे कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में न जाएं। गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले सभी शिक्षण डेमोंस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र, प्रयोगशालाओं और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ किया जाएगा। इस सफाई के दौरान बार बार छुई जाने सतहों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया गया हो उन्हें आंशिक कामकाज शुरू होने से पहले ठीक ढंग से सैनिटाइज और गहराई से स्वच्छ किया जाएगा। इस स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणु शोधन जारी दिशा निर्देश डिसइंफेक्शन ऑफ कॉमन पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का पालन किया जा सकता है जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। URL includingofficers.pdf
इव विद्यालय हेतु शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों के 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण लिए विद्यालय बुलाया जा सकेगा। टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के हुई कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के पास दूर शिक्षा वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने या माता पिता अभिभावक की अनुमति से स्वैच्छिक आधार पर भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त का विकल्प होगा। हुई स्कूल प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हुई शिक्षक और सभी विद्यार्थी एक दूसरे से हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। इसके अनुसार गतिविधियों और बैठने की योजना तय की जाएगी। हुई साबुन की व्यवस्था के साथ साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। एक्स परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन क्यू मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट के अंतर पर विशिष्ट चिन्हों को फर्श पर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार स्टाफ रूम कार्यालय क्षेत्र रिसेप्शन क्षेत्र सहित लाइब्रेरी मेस कैफेटेरिया और अन्य स्थानों पर भी शारीरिक दूरी भी बनाए रखी जाएगी। एक्स शिक्षक विद्यार्थियों का परस्पर संवाद मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहरी स्थानों का उपयोग करते हुए संचालित किया जा सकता है। ऐसा करते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। शी असेंबलियों खेल और ऐसी गतिविधियां समारोह जिनमें भीड़ इकट्ठा हो सकती हो सख्ती से निषिद्ध रहेंगे। शी विद्यालय द्वारा राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि के नंबर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों विद्यार्थियों कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया जा सके। एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, जो इस बात पर जोर देता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% होनी चाहिए, ताजी हवा जितनी अधिक संभव हो उतनी ग्रहण हो सके और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए। सीव शारीरिक दूरी और नियमित कीटाणु शोधन के नियमित पालन होने पर विद्यार्थियों के लॉकर उपयोग में बने रहेंगे। काव जिमेजियम स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं। url:20.pdf स्विमिंग पूल जहां भी लागू हो बंद रहेगा। ख गतिविधियों की योजना और निर्धारण सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं, यानी अधिक उम्र वाले कर्मचारी गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हें खराब स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया हो उन्हें विद्यार्थियों के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंटलाइन काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। पहले दिन ऑनलाइन बातचीत या मार्गदर्शन सत्र के दौरान सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा एग्जिट ऑनलाइन मॉड्यूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कोविड पर बुनियादी जागरूकता का प्रशिक्षण लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। url:3130103899725529614 ग आपूर्ति की उपलब्धता और प्रबंधन आई व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं जैसे फेस कवर मास्क विजर्स हैंड सैनिटाइजर आदि का उचित बैकअप स्टॉक शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ई थमलगन अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल साबुन कोविड पर ऐसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति की जाए। रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्याप्त कवर किए गए डस्टबिन और कचरा डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उपयोग किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा आइटम और सामान्य कचरे के उचित निपटान के लिए CPCB दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाए, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं। url:guidelines:covid1.pdf हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 4.2 स्कूलों के खुलने के बाद का प्रवेश स्थान एंट्री पॉइंट पर आए प्रवेश पर अनिवार्य हाथ की स्वच्छता सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश और निकास के लिए 1 से अधिक फाटकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ई परिसर में केवल एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों शिक्षकों कर्मचारियों और विद्यार्थियों अर्थात जिनमें कोरोना के लक्षण न हो को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि किसी शिक्षक कर्मचारी छात्र को लक्षण पाया जाता है
तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए। ई विद्यालय में COVID-19 के बारे में निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स से प्रदर्शित किए जाएंगे। स्टैंडीज प्रमुखता एव पार्किंग स्थल गलियारों और लिफ्ट में भौतिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। वी आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से विनियमित प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। खत स्कूल परिसर के भीतर कमरों या खुली जगहों पर मार्गदर्शन गतिविधियों का संचालन। आई कुर्सियों डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ई मार्गदर्शन गतिविधियों के दौरान स्टैगरिंग की जाएगी। इस हेतु कक्षा में पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रख पाने और कक्षा के कीटाणु शोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों शिक्षकों हेतु अलग अलग टाइम स्लॉट तय किए जाएंगे। ई शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और छात्र मास्क पहने रहेंगे। इव विद्यार्थियों के बीच नोटबुक पेन पेंसिल इरेजर पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ग कार्यशालाओं प्रयोगशालाओं में कौशल आधारित प्रशिक्षण का संचालन। एक प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कालखंड में अधिकतम विद्यार्थी संख्या रिडिजाइन स्थान और शेड्यूल के आधार पर नियत की जा सकती है। ई सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरणों को कीटाणु रहित किया गया है, विशेष रूप से अक्सर छुई जाने वाली सतहों को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद में। ई उपकरण वर्क स्टेशन पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें। इव सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करे। इसके लिए वर्क स्टेशन सिमुलेशन लैब आदि में हैंड सैनिटाइजर प्रदान किया जाना चाहिए। घर सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियां पुस्तकालय मेस कैंटीन कॉमन रूम व्यायामशाला आदि। आय उपरोक्त स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए। ई आम क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति हर समय मास्क फेस कवर का उपयोग। ई कैफेटेरिया मेस की सुविधा यदि कोई परिसर के भीतर है तो बंद रहेगी। द संस्था द्वारा परिवहन यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी और बसों अन्य परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। 5 स्वच्छता आय फर्श की दैनिक सफाई की जाएगी। ई शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी क्लासरूम प्रयोगशालाओं लॉकर पार्किंग क्षेत्र अन्य सामान्य क्षेत्रों आदि की बार बार छुई जाने वाली सतहों दरवाजे के नॉब लिफ्ट बटन हाथ रेल कुर्सियां बेंच वॉशरूम फिक्स्चर आदि की सफाई और उनका नियमित रूप से कीटाणु शोधन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से किया जाना में अनिवार्य होगा। शिक्षण सामग्री कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंट 70% अल्कोहल वाइप्स द्वारा कीटाणु रहित किए जाएंगे। सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों वॉशरूम और लेवेट्री शौचालय की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाएगी। वी विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कक्षाओं कार्य स्टेशनों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में रखे गए अलग अलग कवर किए गए बिन में इस्तेमाल किए गए फेस कवर मास्क को डिस्पोज निपटान करें। इन्हें 3 दिनों के लिए डिब्बे में ही संग्रहित रखा जाए और तत्पश्चात इन्हें काट कर कतरन करके सूखे सामान्य ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटाया जाए। वी स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए। 6 जोखिम संबंधी जागरूकता का संचार आए स्कूल छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों माता पिता शिक्षकों और कर्मचारियों को ऊपर दिए गए सामान्य उपाय पर सेंसिटाइज करें संवेदनशील बनाएं। यदि कोई छात्र शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। 7 साइको सोशल स्वास्थ्य आई ई सुनिश्चित करें कि चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक स्कूल काउंसलर और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। 8
छात्र शिक्षक कर्मचारी द्वारा लक्षणों बुखार खांसी सांस लेने में कठिनाई के मामले में एसओपी का पालन किया जाना। आए बीमार बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति को एक अलग कमरे या क्षेत्र में रखें जहां वो दूसरों से अलग थलग हो। ई इस संबंध में माता पिता अभिभावकों को तत्काल सूचित करें। ई ऐसे रोगी मास्क फेस कवर पहनकर से अलग थलग रहें। इव निकटतम चिकित्सा सुविधा अस्पताल क्लिनिक को तुरंत सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। वी नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण जिला आरआरटी उपचार चिकित्सक द्वारा रिस्क असेसमेंट जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार केस के आगामी प्रबंधन उसके संपर्कों संबंधी आवश्यक प्राप्त कीटाणुशोधन की आवश्यकता के संबंध में कार्रवाई शुरू की जाएगी। वी यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणु शोधन किया जाएगा।